जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। देखो आप सभी लोगों को पता लग गया कि हमारी स्टेट वाइज वैकेंसी आ गई जो SSC ED है। देखो अब कई लोग पूछते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या वैकेंसी बढ़ेगी, कई लोग ये भी पूछते हैं कि कम अगर हम वैकेंसी आएगा पेपर लेवल हार्ड होगा, इस पर भी चर्चा करने वाले। कई डिमोटिवेट भी हो चुके हैं कि वैकेंसी कम है, जैसे जनरल डिस्ट्रिक्ट में कम आते हैं, बॉर्डर और नक्सल में ज़्यादा आते हैं। आप सभी लोगों को बताएं, वो डिमोटिवेट है, वो कह रहे हैं हम तैयारी नहीं करेंगे। देखो आज सब कुछ बताने वाला हूँ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिल जाती है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या सर्च कर सकते हैं YT वगैरह से सर्च करेंगे तो मैं इसलिए वहाँ पर मिल जाऊँगा। जो भी छोटी मोटी जानकारी है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, वहीं पर भेजने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग सेंटर में हूँ। आप सभी लोगों को भली भांति पता है, आप सभी लोगों को पता है अगर आपने सिलेक्शन लेना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है। देखो जो किरण पब्लिकेशन की ना GK हिंदी मैथ रीजनिंग, उसका आप बुक ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखो उस पर क्या फ़ायदा है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि उसमें 2019 से लेकर जो 2022 तक एग्जाम हुए ना, वो प्रीवियस ईयर मिलेंगे। देखो कभी कभी ऐसा होता है, ऑनलाइन हर बार आप लगाना नहीं चाहते हो, आप ऑफलाइन लगाओगे तो देखो कभी आपको ऑनलाइन सरदर्दी बन जाता है, तो ऑफलाइन आप प्रैक्टिस करके उसके बाद ऑनलाइन लगा। देखो ये बेस्ट बुक है, आप इन्हें ले सकते हो। लेना कैसे, प्राइस कैसे, देखना है आपको, मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले सकते हो। चारों किताबें हैं आपकी, हिंदी भी है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है और GK भी है। अगर इससे आप लगाओ ना, आपके लगभग लगभग 10-15% मार्क्स और इंक्रीज होंगे। अगर 10-15% मार्क्स इंक्रीज होंगे, आप SSC की पोस्ट तक पहुंच सकते हो। देखो अब बात करते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी की। स्टेट वाइज वैकेंसी आपकी कितनी आ गई है, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, बॉर्डर में कितनी है, जनरल डिस्ट्रिक्ट में कितनी है और नक्सल में कितनी है, और अपनी कैटेगरी के अनुसार भी देख लिया, EWS जनरल OBC SC ST सब ने देख लिया होगा। बाकी सर्टिफिकेट वगैरह भी वीडियो बना दी थी। अब देखो कई बच्चे हताश हो रहे हैं कि बहुत कम वैकेंसी आई है, जहाँ तक कि है जनरल डिस्ट्रिक्ट में, वो कह रहे हैं हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे। देखो आप ये समझो, अगर आपके यहाँ 10 पोस्ट आई हैं तो कोई ना कोई तो ले जाएगा। अगर आप ये सोचते रहोगे आप इस बार भी सिलेक्शन नहीं लोगे, अगली बार भी सिलेक्शन नहीं लोगे, एक दिन ऐसा आएगा आपकी एज खत्म हो जाएगी, फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अभी आपको मेहनत करनी है, ये नहीं सोचना है। देखो कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, अब क्या पेपर लेवल हार्ड होगा, ये आपके पास समस्याएँ आ रही है। देखो कट ऑफ के पीछे नहीं भागना, कट ऑफ किस तरीके से जाती है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आपका पेपर लेवल और वैकेंसी पे। अगर पेपर आपका हार्ड आ गया तो आपकी कट ऑफ कम ही जाएगी। आपको पता है 2021 में पेपर लेवल हार्ड था तो वैकेंसी भी कम थी, फिर भी कट ऑफ डाउन हुई थी। तो इस तरीके से अगर पेपर हार्ड आ जाएगा तो आपके सामने देखो अधिकतर SSC में ये रहा, अगर कम वैकेंसी आती तो पेपर थोड़ा हार्ड करते हैं, इस बार टाइम भी कम हो, क्या पता मॉडरेट बनाए या इजी बना दे जैसे 2022। जब तक पेपर ना हो फर्स्ट, तब तक अनुमान लगाना उचित नहीं है। तो जब पेपर होगा बाद में उस पर भी बात कर लेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना कि कट ऑफ कितने, अगर आप पढ़ोगे ना कट ऑफ के पीछे जाओगे तो क्या होता है, कट ऑफ में उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो किस्मत वाले होंगे, उनका सिलेक्शन फिर वहाँ पे नहीं हो पाता। आप कट ऑफ की तरफ सोचोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी डिमोटिवेट आपको होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बुक्स जो मैंने बताई वो आप ले सकते हो, इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, आप कैसे पढ़ सकते हो ये सब कुछ आपके सामने बताया हो। बाकी स्टेट वाइज वैकेंसी आप सभी लोगों ने देख ली, अपने हिसाब से देख लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन रहता ना आप इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा, लेट से करूँगा बट करूँगा, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में टाइम कम रहता है, करूँगा रिप्लाई, आपका हो जाएगा। बाकी आपको डिमोटिवेट वगैरह नहीं होना, आपकी वैकेंसी आ चुकी है। देखो कितनी वैकेंसी बढ़ेंगी ये कोई नहीं बता सकता आपको, बढ़ भी सकती हैं, चांसेज हैं बढ़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं कह सकते जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। किसी को नहीं पता रहता कि कितनी वैकेंसी बढ़ेंगी, क्या पता ना बढ़े तो हम नहीं कह सकते। जितनी वैकेंसी आई उस पर आपको अभी तैयारी करनी है, बाद में बढ़ने वाली होंगी तो आपका तो बेनिफिट हो जाएगा, आपका और अच्छा हो जाएगा, आप तैयारी करिएगा। फिर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन सुबह, टेक केयर, बाय बाय।